हाड़ौती में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने आए राजस्थान की सीएम एक दिन के कोटा प्रवास के बाद शनिवार सुबह सरकारी विमान से जयपुर के लिए रवाना हो गए। इससे पूर्व सीएम ने सुबह कांग्रेसी नेताओं को भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए और स्टेडियम में जाकर जरूर होते वहां की तैयारियों का भी जायजा लिया। वहीं शुक्रवार रात को सर्किट हाउस में कांग्रेस नेताओं से वार्ता की और शनिवार सुबह जयपुर रवाना होने से पहले पत्रकारों से बातचीत में सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि 4 साल में राजस्थान में ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं, पूरे देश में किसी भी सरकार की ओर से ऐसे काम नहीं किए गए। हमारी सरकार ने जो फैसले किए हैं वो ऐसे फैसले जो हिंदुस्तान में किसी राज्य में नहीं हुए, इंक्लूडिंग ओपीएस, इंक्लूडिंग चिरंजीव योजना, इंक्लूडिंग पुरानी योजना जो महिलाओं के लिए है नैपकिन, ये फैसले हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुए। तो जनता कन्विंस है सरकारी कामों से, हर विधानसभा क्षेत्र में जो मांगा हमने सब दिया है, तो इतनी उपलब्धि है कहने के लिए जनता जुड़ती तब है जब वो मुद्दे हों। हमने इनको मौका दिया नहीं मुद्दे का, वो क्या संघर्ष करे क्या विरोध करे, अब चुनाव आए तो चुनाव जीतने के लिए वो झूठ बोलते हैं, बैंकों का ऋण माफ नहीं हुआ, झूठे वादे कर दिए। जब जिनके ऋण माफ हुए हैं 22 लाख लोगों के, उनमें आक्रोश है कि माफ हमारे 5 लाख भी हुए, 6 लाख भी हुए, 2 लाख भी हुए, 1 लाख भी हुए, ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? तो उनके झूठ का पर्दाफाश वो खुद ही कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ तेजपाल बग्गा जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए तेजपाल बग्गा, जैसे कि हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री का दौरा है, सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश किए गए हैं, तैयारियों को लेकर क्या कुछ कहेंगे इस पर? दीपाली, एक दिवसीय प्रवास के बाद मुख्यमंत्री आज सुबह 10 बजे कोटा एयरपोर्ट से जयपुर के लिए चले गए। इससे पूर्व उन्होंने कल रात को भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सर्किट हाउस में बैठक ली थी, जिसमें भारत जोड़ो यात्रा में अधिक से अधिक लोगों को राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया था। साथ ही उन्होंने पूरी तैयारियों का जायजा भी लिया था, साथ ही कोटा में चल रहे विकास कार्यों का उन्होंने अवलोकन भी किया था। साथ ही उन्होंने धारीवाल की इस बात पर पीठ थपथपाई थी कि कोटा में ऐतिहासिक विकास हुआ है। आज सुबह उन्होंने स्टेडियम में जाकर जहां पर राहुल गांधी को नाइट स्टे करना है वहां का अवलोकन किया तथा अधिकारियों एवं कांग्रेस नेताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए कि वो इस पर पूरा ध्यान रखें कि राहुल गांधी की किसी भी रुकने की व्यवस्था में कोई खामी नहीं रहे। जी तेजपाल बग्गा, जैसे कि देख रहे हैं कि कांग्रेस की ओर से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि अपना किसी तरीके से भविष्य जो है कायम करते रहें, और इसी को लेकर जो है ये भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कांग्रेस में जोड़ा जा सके। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सत्ता में जो पार्टी है तो वो सारी जो पार्टियाँ हैं इस समय कांग्रेस पर हावी होते हुए दिखाई दे रही है, फिर चाहे वो बीजेपी हो या किसी और राज्य की सरकार हो। जी दीपाली, कोटा राजस्थान, कोटा के अलावा राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के खिलाफ जन आक्रोश रैली भाजपा भी निकाल रही है, परंतु कांग्रेस इस रैली को विफल करने के लिए अपने सब तरह से प्रयास कर रही है। राजस्थान में गुजरों का विरोध भी देखा जा रहा है, परंतु उनको भी, गुजरों को भी मना लिया गया है। भारत जोड़ो यात्रा में किसी तरह का कोई खलल नहीं हो इसके लिए मुख्यमंत्री ने हर संभव प्रयास किए हैं। कोटा में भी उन्होंने सभी पुराने नेताओं से बातचीत की है, चाहे वो कोई भी भरत सिंह हो, विधायक भरत सिंह हो, कांग्रेस की जिला अध्यक्ष सरोज मीणा हो, सबको कल बुलाया और उनसे बातचीत की है और भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने के लिए कहा है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तेजपाल बग्गा इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे कि हमारे संवाददाता ने भी जानकारी दी है कि कांग्रेस की ओर से लगातार यही कोशिश की जा रही है कि जो ये भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई है इसको ज्यादा से ज्यादा सफल बनाया जा सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कांग्रेस में जोड़ा जा सके।